जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र 2 महीने बाद फिर से गुलजार होंगे, जिसके तहत 1 जून से कई तरह की छूट दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते जयपुर के संपूर्ण चारदीवारी क्षेत्र को अब 2 जोन में बांट दिया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जयपुर चारदीवारी को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में बांटा गया है। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सभी पाबंदियां लागू रहेंगी, तो वहीं बफर जोन में बाजार और दुकानें खोल दी जाएंगी। हालांकि बफर जोन में कुछ दुकानों पर अभी प्रतिबंध रहेगा। ये नहीं कहा जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण पूरी तरीके से रुक गया है या चार दीवारी कोरोना मुक्त हो गई है, कोविड मुक्त हो गई है, तो उसके संक्रमण का खतरा बरकरार है। साथ में जैसा कि बातें आती हैं कि साहब इसकी सेकंड वेव भी आ सकती है, थर्ड वेव भी आ सकती है, वॉल सिटी में लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 में राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग छूट जारी की गई। हर बार 1 से कुछ ज़्यादा छूट 2 में जारी की गई, 2 से ज़्यादा 3 में और 3 से ज़्यादा 4 में, लेकिन चार दीवारी में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई थी। चार दीवारी में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई थी। अब पहली बार चार दीवारी क्षेत्र में छूट दी जा रही है, कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। दोनों चीज़ों का संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है, एक तो प्रसार पे कुछ कंट्रोल हुआ है, कुछ नियंत्रण हुआ तो उसके मुताबिक छूट दी जा रही है, लेकिन भविष्य में ये पुनः नहीं बढ़ जाए तो उसके हिसाब से काफ़ी चेक्स भी लगाए गए हैं, प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। मोटा मोटा चार दीवारी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक कंटेनमेंट जोन क्षेत्र और एक बफर जोन क्षेत्र। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो हमें सूची उपलब्ध कराई है कि आज की तारीख में कोरोना के जो एक्टिव पेशेंट या एक्टिव लोग हैं, उस सूची के हिसाब से जो उनका रहने का स्थान है, निवास स्थान है, उस जगह की पुलिस और प्रशासन के द्वारा ग्राउंड पे स्टडी करके और उस आदमी के मूवमेंट और उसके नेचुरल स्प्रेड को देखते हुए छोटे छोटे जोन्स में कर्फ्यू लगाया जा रहा है, कंटेनमेंट जोन चिन्हित किए गए हैं और उन कंटेनमेंट